नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। और आज सोने और चांदी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी, अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि जो चमकान है लगातार बढ़ती ही जा रही है शानदार तेजी के साथ। गोल्ड सिल्वर तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं गोल्ड एक बार फिर से $2,000 के पार है और चांदी भी $26 पर। इसी तरह से M6 गोल्ड सिल्वर में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। अनुज जी, ये जो तेजी आ रही है आपको क्या लगता है, क्या सोना एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ सकता है 56,200 का जो सोने ने 2020 में लगाया था? क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, हमें लगता है कि गोल्ड अब अपना हाई भी ब्रेक कर सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है और ऊपर में हमें लगता है कि $2,150 से लेकर $2,200 तक के लेवल जल्दी देखे जा सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में 55,000 से लेकर 56,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है, उसका असर हमें लगता है कि यहाँ भावों में देखने को मिल सकता है। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम $130 के पार कीमतें पहले ही देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेडिंग होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो कहां तक जा सकती हैं? और ये जो नाटो देश हैं ये भी अब रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने की विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में कच्चा तेल की कीमत कहां तक जाएगी और उसका असर भारत के ऊपर कितना पड़ेगा? देखिए, क्रूड के भावों में भी तेजी यहाँ है। हमें लगता है कि क्रूड के भाव और ऊपर जा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई है, रशिया पे सैंक्शन लगे हैं और क्रूड की सप्लाई यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी वजह से हमें लगता है कि क्रूड के भावों में ऊपर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $135 से लेकर $140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि ऊपर में 10,000 तक के भी लेवल यहाँ पॉसिबल है जो कि आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है हमें लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्टेशन है कि भावों में कंटिन्यूस यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि शानदार तेजी के साथ ट्रेड होता नजर आ रहा है। निकल सबसे अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। अनुज जी, हमने दो तीन दिनों के दौरान देखा है कि निकल ने 2 गुने से भी ज्यादा का उछाल लगा दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो निकल इस समय MCX पर 4600 के ऊपर है, तो क्या अब नए हाइज भी लगाता नजर आ सकता है? और सिर्फ निकल ही क्यों इतना तेज ट्रेड करता नजर आ रहा है? देखिए, निकल में जो तेजी है उसके पीछे फंडामेंटल रीजन ये है कि निकल जो है रशिया जो है इसका थर्ड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और साथ में जो निकल की इन्वेंट्री है वो करीबन 70% LME में गिरती हुई दिखाई दी है। क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से जो माइनिंग कॉस्ट है वो यहाँ बढ़ी है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो काफी डिस्टर्ब हुई है। उसकी वजह से हमने देखा है कि और EVs की डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कहीं ना कहीं जो तेजी का यहाँ पे ट्रेंड बना है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि LME पर हमने देखा है कि अभी डिक्ले कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है, तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव कुछ एक बार नीचे करेक्शन ले सकते हैं। मगर जो फंडामेंटल बना है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अगर यहाँ पे टिप आता है कहीं ना कहीं 2500 या 3000 के आसपास, तो वहाँ पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं, मगर फिलहाल अभी भावों में नरमी जो है तेजी का रुख बना हुआ है। जी अनुज जी, खबरें ये भी निकल के सामने आई है कि LME पर निकल की जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड कर दी गई है। आपको क्या लगता है ये जो सस्पेंड किया गया है निकल की ट्रेडिंग को LME पर, ये कितने समय के लिए किया गया है और क्या इसका असर MCX पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि हम MCX पर भी देख रहे हैं निकल की कीमतें लगातार तेजी की ओर है, तो क्या MCX निकल वायदा को भी बैन किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है? देखिए, अभी तक MCX से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी तक जो LME के जहां तक सवाल है वहां पर भी अभी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा है कि वो जब भाव स्थिर हो जाएंगे फिर उसके बाद वो दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इसको बैन किया गया है, बट हमें लगता है कि आगे ये दोबारा से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हमें लगता है कि अभी इस बैन की वजह से भावों में कुछ गिरावट यहाँ देखने को मिल जी है। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें यहाँ से अगर हम नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमने आज करेक्शन आते हुए देखी है 3% की इंटरनेशनल मार्केट में। आपको क्या लगता है सभी नॉन एग्री में तेजी, सिर्फ नेचुरल गैस में ही मंदी, ऐसा क्यों?
देखिए, नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज जो है वो काफी बड़ी है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ देखें तो हमने ऑलरेडी काफी भावों में तेजी देखी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है ये थोड़ा सा एक रेंज बाउंड का रहेगा, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। भाव नीचे अगर 355 350 के आसपास मिलते हैं तो आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 370 380 तक के लेवल दोबारा देखे जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भाव अगर थोड़ा सा डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जी अनुज जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, हमें लगता है कि नॉन एग्री के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। गोल्ड पर्टिकुलर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 54,000 से लेकर 54,500 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में 2020 से लेकर 2030 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं करीबन 840 के आसपास। ऊपर में टारगेट 855 860 तक के लेवल को दिखा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे अभी नॉन एग्री कम्युनिटीज की। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अनुज जी से एग्री कम्युनिटीज के बारे में, जानेंगे अनुज जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कैसे रुझान देखने को मिल सकता है। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स से। अनुज जी बात करें सबसे पहले यहाँ पे एग्री में, अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स में, तो ग्वार गम ग्वार सीड में इतनी कोई ज्यादा हलचल होते हुए नहीं देख रहे हैं। अनुज जी खबरें निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका क्रूड की मार्केट को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा, तो ऐसे में अगर क्रूड की कीमतों में तेजी आती है यूएस में तो उसका असर ग्वार के प्राइसेस पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, ग्वार की अगर बात करें तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिक का टेंशन है तो एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल कम होती हुई दिखी है, जी इसकी वजह से हमने भावों में नरमी देखी है। हमें लगता है कि भाव अभी कुछ नरमी के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है वो बिल्कुल कम है और हमने देखा है कि भाव पिछले हफ्ते से कुछ गिरावट के साथ है। तो फिलहाल अभी हमें लगता है कि जो क्रूड की तेजी है उससे कोई इंपैक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि डिमांड जो है एक्सपोर्ट डिमांड वो यहाँ पर उतनी नहीं आ रही है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भाव कुछ नरमी की तरफ ही आते हुए दिखाई देंगे। जी इसी के साथ अनुज जी बात करें यहां से, अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड देख रहे हैं 7200 के ऊपर सस्टेन है, आपको क्या लगता है क्या कैसे सीड यहां से अराइवल्स के चलते थोड़ा नीचे जा सकता है? देखिए, कैस्टर में हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है वो एक साइडवेज है, हालांकि 7000 के ऊपर कंटिन्यूसली भाव सस्टेन, 7400 7500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। मगर करंट रेट मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एक ओवरबॉट में है, भाव नीचे 7000 के आसपास मिले तो ही खरीदारी करें। जी अनुज जी बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि आज भी कुछ ज्यादा खास तेजी मंदी नहीं बनती नजर आई है, वही सीमित दायरे में कारोबार है, एक ब्रेकआउट लेवल देखने को नहीं मिल रहा है बिनौला खल के अंदर। आपको क्या लगता है 3500 तक के लेवल्स कब तक देखने को मिल पाएंगे बिनौला खल में? देखिए, बिनौला खल में हमने आज गिरावट देखी है और अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे भाव नीचे की तरफ ही डाउन आते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि भाव नीचे 3050 से लेकर 3000 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। डिमांड यहाँ भी थोड़ी सी कमजोर है, हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा और भाव नीचे एक्सपेक्टेड है 3050 तक आ सकते हैं। जी इसी के साथ अनुजी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में हमने यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से बिकवाली आते हुए देखी है, खास करके हल्दी के अंदर। हल्दी का भाव देख रहे हैं अब 8800 के लेवल्स पर है, 3% की गिरावट है। आपको क्या लग रहा है क्या हल्दी यहाँ से अभी और टूटती नजर आएगी? और देखिए, मसालों में हमने सभी में गिरावट देखी है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से भावों में नरमी रही है हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ और गिरावट आ सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड जो है बिल्कुल कम है, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिक का टेंशन है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल नलीफाई है, और हमने देखा है कि उसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखे हैं। आगे भी हमें लगता है कि भावों में भी कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी टर्मरिक के अंदर हमें लगता है कि नीचे भाव 8600 8700 तक दिखा सकते हैं, वहां पर आए तो खरीदारी करना चाहिए, मगर फिलहाल अभी भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। जी अनुजी बात करें यहाँ से अगर धनिया और जीरे की, तो धनिया और जीरे में आपने पहले ही बता दिया था कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं, हमने वैसा होता हुआ भी देखा है, धनिया जीरे में अच्छी खासी तेजी भी देखी। आपको क्या लगता है ये जो धनिया और जीरे में हल्की सी करेक्शन आई है तो क्या यहाँ से अच्छी खरीदारी भी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल जो करेक्शन है ये खरीदारी का मौका है, हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भाव और नरम होते हुए दिखेंगे। जी थोड़ा बहुत भाव अगर डिप लेता है तो खरीदारी करना चाहिए। नीचे अगर जीरा 19000 18800 से लेकर 19000 तक के लेवल मिले तो खरीदारी कर सकते हैं।
कोरिएंडर की अगर बात करें तो भाव नीचे 9,500 9,800 तक मिलते हैं, तो खेसारी का किट बना सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड कम होने का असर रहेगा, हालांकि फंडामेंटली जाए तो डिमांड सप्लाई में काफी डिफरेंस है, मगर एक्सपोर्ट डिमांड कम होने की वजह से हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी हायर लेवल पर आ सकती है। तो फिलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भाव डिप ले तो खरीदारी का ट्रेंड बना सकते हैं जी। इसी के साथ अनुज जी बात करें यहाँ से अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन वायदा तो लगातार $1,700 के करीब है, हालांकि फिर से 1700 को लेवल फिर से टच नहीं होता हुआ दिख पाया है, लेकिन 1680 इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है ये जो विदेशों में जो सोयाबीन में लगातार तेजी है और बाकी तेलों में तेजी है, उसका असर भारत में सोयाबीन और अन्य तेलों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए सोयाबीन के अंदर हमने यहाँ पे नरमी देखी हायर लेवल से, हमें कहीं कुछ यहाँ पर बिकवाली का माहौल आ सकता है, क्योंकि हमने अराइवल नए आते हुए देखे हैं, सरसों की अराइवल भी मंडियों में आती हुई दिखाई दी है और ऑलरेडी प्राइस काफी हाई बना चुके हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें लगता है कि यहाँ सोयाबीन में आ सकती है और भाव नीचे करीबन 7,200-7,000 के लेवल को दिखा सकते हैं। सोयाबीन के अंदर नरमी का ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि अभी जिन्होंने खरीदारी करी थी हमारे एडवाइस पे, वो उनके लिए सलाह है कि वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जी। अनुज जी M6 कॉटन की बात की जाए तो M6 कॉटन में भी देख रहे हैं कुछ ज्यादा खास तेजी बनती नजर नहीं आ रही है जब से लेवल ऊपरी स्तर से टूटे हैं, आपको क्या लगता है क्या ये लेवल नीचे अभी और जाने वाले हैं? देखिए बिल्कुल खल के अंदर और कॉटन के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है, हायर लेवल पे प्राइस सस्टेन होते हुए नहीं दिखे हैं, इंटरनेशनल भी भावों में कुछ नरमी है, हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है और भाव नीचे करीबन 36,500 से लेकर 36,000 के लेवल को दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी सलाह है कि कॉटन सीड में और कॉटन के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं जी। अनुजी एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए हमारी सलाह है कि यहाँ पर ग्वार में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 5,950 और 6,000 के आसपास में, नीचे भाव 5,800 तक आ सकते हैं। वहीं जीरा के अंदर भी हमें लगता है कि 20,800-21,000 में बिकवाली करें, भाव नीचे 19,800-19,500 तक दोबारा देखने को मिल सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आया है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।